नमस्कार दोस्तों, मैं राशि सेठी स्वागत करती हूं आपका मीडिया दरबार की खास पेशकश इतिहास आज का में, जहां हम आपको बताते हैं इतिहास से जुड़ी कुछ खास बातें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम। 1970 में भारत में निर्मित पहला MiG-21 विमान भारतीय वायुसेना में शामिल किया गया था। यह एक सुपर सैनिक लड़ाकू जेट विमान है जिसका निर्माण सोवियत संघ ने किया था। 1993 में बेनजीर भुट्टो दूसरी बार पाकिस्तान की प्रधानमंत्री बनी थी। 1722 में फ्रांसीसी सी होफर ने आज के दिन आग बुझाने की मशीन बनाई थी। 1853 में अमेरिका के हवाई प्रांत में पहली आटा चक्की शुरू की गई थी। 1872 में न्यू साउथ वेल्स में विश्व का सबसे बड़ा सोने का टुकड़ा पाया गया। आपको बता दें कि वह टुकड़ा 215 किलोग्राम का था। 1924 में अब्दुल अजीज ने मक्का में पवित्र स्थानों की रक्षा की स्वयं घोषणा की थी। 2005 में सद्दाम हुसैन के परीक्षण की शुरुआत आज के दिन की गई। इराकी स्पेशल ट्रिब्यूनल ने मानवता के खिलाफ अपराधों के लिए इराक के अब्दस राष्ट्रपति सद्दाम हुसैन और 7 अन्य प्रतिवादियों की परीक्षण शुरू किया। हुसैन, जो इराक के 5वें राष्ट्रपति थे, उन्हें दोषी पाया गया और एक साल बाद 30 दिसंबर 2006 को फांसी दे दी गई। 2012 में लेबनान की राजधानी बेरूत में बम विस्फोट में 8 लोग की मौत हुई और 110 लोग घायल हो गए थे। मृत लोगों में ब्रिगेडियर जनरल विसाम अल हसन भी शामिल थे। लेबनान में असद विरोधी शिविर के साथ जुड़े एक वरिष्ठ व्यक्ति की हत्या ने तत्काल अटकलें लगाई कि बेरूत में हमले के पीछे सीरिया या उसके सहयोगी थे। इतिहास की सैर में आज के लिए बस इतना ही। आप जुड़े रहिए मीडिया दरबार चैनल के साथ। धन्यवाद।